हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए कोटना बीच। यस, कोटना बीच। कहाँ पे? कोटना बीच। हाँ, तो वो आता है महिसागर के रिवर के ऊपर, जहाँ पे कायक की फैसिलिटी है। शाम को बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा होती है, रविवार को बहुत बड़ा क्राउड रहता है, और हमारी छोटी फैमिली जा रही है साथ में वहाँ पे। तो रास्ते में जो भी ब्लॉग बन सकता है हम बनाएंगे, बिकॉज आई एम ड्राइविंग। So let's see. See you at Kotna and in between the midway. तो भाई, हमने एक और फ्रेंड को ऐड कर लिया। वो मेरा फ्रेंड है और उसकी वाइफ भी है साथ में, जो अभी शॉपिंग के लिए हाल में गए हैं बाहर। उनको भी अभी थोड़ी देर में इंक्लूड करेंगे कैमरे के अंदर। और अभी एक तीसरा फ्रेंड भी आ रहा है, तो देखता है वो कब तक आता है। 5 मिनट तो यहाँ पे हो गई है, लेट्स सी। तो भाई, अभी तीसरा फ्रेंड भी साथ में जुड़ चुका है। हाँ, तो अभी दो आए, अभी तीसरा आ गया। हाँ, तीसरा फ्रेंड भी साथ में जुड़ चुका है। और अभी हम निकल रहे हैं फाइनली टू द रोड ऑफ कौन सा बे, कोटना बीच। तो गाइस, ये रास्ता जाता है कोटना बीच को, जो कि गोरवा उंडेरा कोयली होते हुए कोटना गांव को पहुंचता है। कोटना गांव की छोटी सी गलियों को पार करते ही हुए आप पहुंच जाओगे सीधे महिसागर नदी की ओर। कोटना बीच कोई समुंदर का बीच नहीं है, लेकिन ये एक बीच जैसी फीलिंग देता है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट हुआ वाटर बॉडी एक समुंदर जैसा बहुत ही विशाल है, जो कि सिंग रोड के ऊपर बने हुए चेक डैम की वजह से है। तो आनंद लो। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं कोटना बीच। यहाँ पे देखो, संडे को बहुत सारी भीड़ रहती है। तो गाइस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि यहाँ पे कायाकिंग की और बोटिंग की फैसिलिटी है, तो यहाँ पे लोग कायाक और बोट दोनों का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पे जो ट्रेनर है कायाक के, वो काफ़ी प्रशिक्षित है और आपको लाइफ जैकेट के बगैर बोटिंग करने को नहीं मिलेगी। तो आपकी सेफ्टी का भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाता है। ये रेट 300 से लेके 400 तक का हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन फुटफॉल ऑफ द डे। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कायाक, जो कि बहुत ही अच्छी है और चलाने में बहुत मज़ा भी आता है, लोग इसका आनंद अच्छे से लेते हैं। आगे हम देखेंगे कि वाटर बॉडी के अंदर क्या क्या है। तो गाइस, मैंने जैसे ही बोला था कि संडे को यहाँ पे बहुत सारी भीड़ रहती है, इसका एक एग्जांपल इस वीडियो में देख लो। चारों ओर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ है, पब्लिक ही पब्लिक है। यहाँ पे खाने की फैसिलिटी है, बहुत सारे लोकल वेंडर्स भी है, जो आपको चना चूर से लेकर सब आइटम आपको देते हैं। मैंने बोला था, किसी को अगर संडे पसंद नहीं है, क्राउड पसंद नहीं है, तो वो किसी और दिन भी यहाँ आ सकते हैं, ताकि आप आराम से सारी जगह घूम सके बिना किसी भीड़ भाड़ के। तो गाइस, यहाँ पे देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये कवर बहुत सुंदर है, लेकिन ये सुंदरता को बिगाड़ता है यहाँ का कचरा। लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, लेकिन कचरा फैला के जाते हैं। तो प्लीज़ कृपया करके यहाँ पे कचरा ना फैलाएं और कुदरत को साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करें। तो गाइस, आपने जैसे कि देखा वीडियो में, यहाँ पे देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाइस, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के दबाइए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, ताकि मैं और से और ऐसे वीडियो बनाते रहूं। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि वडोदरा के आसपास घूमने लायक कौन सी चीज़ें हैं, जो कि आप एक दिन के अंदर घूम के वापस भी आ सकते हैं और आपका परिवार खुश भी हो सकता है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ मी।